अस्सलाम वालेकुम, आज हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ वेरी स्पेशल डिस्टिंक्टिव टेंटलाइजिंग अरोमा वाले अमृतसरी पिंडी छोले और कुलचे की रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पे हमने 2 कप चिकपीज ली है, जिसको सोक करके रख देंगे 6 to 8 आवर्स। पानी का कलर चेंज हो जाएगा लेकिन इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। यही पानी में ही हम प्रेशर कुक कर लेंगे अपने छोलों को। साथ ही ऐड कर देते हैं कुछ स्पाइसेस, हमने यहाँ पे 6 क्लोव्स ली हैं वो ऐड कर देंगे। 6 कार्डमम्स हैं जिनको स्लिट करके ऐड कर देंगे। इसी के साथ में 2 ब्लैक बिग कार्डमम्स हैं, इनको भी स्लिट करके ऐड कर दिया है। 1 इंच सिनेमन स्टिक है, 2 बे लीव्स है, इन सबको ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिएगा। स्पेशल से डार्क कलर के पिंडी छोले बनाने के लिए हमने यहाँ पे टी लीव्स यूज़ करी है, आप आंवला भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको कॉटन क्लॉथ में टाई कर लिया है और हम इसको ऐड करने वाले हैं अपने पानी में। आप चाहें तो टी बैग्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे अनटिल ये सॉफ्ट एंड टेंडर हो जाए। चिकपी अच्छे से कुक हो चुके हैं, अगर आप इनको मैश करना चाहेंगे तो ये अच्छे से मैश हो जाएंगे। इस पॉइंट पे हम सारी चीज़ें डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि बे लीव्स, टी बैग्स और स्पाइसेस। रिमेनिंग डार्क कलर वाटर हमें स्टोर करके रखना है। 1 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन सीड्स चाहिए हैं। 2 बिग अनियंस को हमने फाइनली चॉप कर लिया है और उसी के साथ में हमने 1 इंच जिंजर की जूलियंस बना ली है। हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर चाहिए, फ्रेश कोरिएंडर। उसी के साथ में हमने 4 मीडियम टोमेटोज का पेस्ट बना लिया है मिक्सर जार में। छोले मसाला बना लेते हैं, जिसके लिए हमें 1.5 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर चाहिए है। क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिएगा। उसी के साथ में 1/2 टीस्पून हमने हींग ली है, 1 टेबल स्पून अनारदाना है, आप चाहे तो मैंगो पाउडर ले सकते हैं 1 टेबल स्पून। उसी के साथ में हमने यहाँ पे चाट मसाला लिया है 1/2 टेबल स्पून और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून लिया है। 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, जिसमें जीरा और हींग ऐड कर दिया है। और जैसे ही ये दोनों चीज़ें क्रैक होंगी हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप करी हुई अनियन और उसी के साथ ही में ही जिंजर और थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर, और इनको हम सॉटे कर लेंगे जब तक कि हमारी अनियन सॉफ्ट नहीं हो जाती और लाइट ब्राउन की तरफ नहीं चली जाती। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करिए। जैसे ही हमारी अनियन लाइट ब्राउन होगी हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो पेस्ट और सारे स्पाइसेस, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, रेड चिली एंड सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, चाट मसाला और अनारदाना, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके कुक कर लेंगे ताकि हमारे टोमेटोज सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से सॉटे होने के लिए हम छोड़ देंगे, लेकिन बीच में आप इसको एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। अगर इसका पानी ड्राई हो गया हो तो वही छोलों वाला डार्क कलर का पानी हम इसमें ऐड करके दोबारा कवर करके इसको कुक कर लेंगे और जब ये अच्छे से सॉटे हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकपीस। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे वही छोलों वाला पानी, डार्क कलर वाला। हमने अपने मेजरिंग स्पून से, अपने कुकिंग स्पून से ऐड किया था 3-4 टेबल स्पून, यानी कि 1/2 कप के करीब, आप भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। और अब हम छोलों को कवर करके 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे कुक करने के लिए छोड़ देंगे ताकि सारी मसाले अच्छे से ब्लेंड हो जाएं और अच्छी सी स्मेल भी रिलीज़ हो जाए। अब हम तड़के के लिए 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ले लेंगे, 4 ग्रीन चिलीज हमने ली हैं, यहाँ पे 8 गार्लिक क्लोव्स ली हैं जिनको हमने रफली यानी कि मोटा मोटा चॉप कर लिया है, और इनको रख देंगे साइड में और चेक कर लेंगे 10 मिनट्स बाद अपने छोलों को। और जब छोले अच्छे से कुक हो जाएंगे और सारे मसाले को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो 1/2 छोलों को हम मैश कर देंगे मैशर की मदद से। छोलों को मैश करने की वजह से हमारी ग्रेवी थिक एंड क्रीमी बन के तैयार होगी, जैसे कि हमें मिलते हैं पंजाब में पिंडी छोले। पिंडी छोलों को हमने ऑथेंटिक टेस्ट देने के लिए यहाँ पे 4 टीस्पून देसी घी का इस्तेमाल किया है, जिसमें हम ऐड कर देंगे चॉप्ड गार्लिक और स्लिट करी हुई ग्रीन चिलीज। और जैसे ही हमारे गार्लिक गोल्डन ब्राउन होने लगेंगे और ग्रीन चिलीज फ्राई हो जाएंगी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब आप टेंटलाइजिंग अरोमा वाले ये पिंडी छोलों को गर्मा गर्म डिश आउट करिए और इस पे लगा देंगे हम ये तड़का, जिससे ये बिल्कुल डिस्टिंक्टिव हो जाएंगे, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आएगा इन पिंडी छोलों का। मज़ेदार से अमृतसरी पिंडी छोले बनके तैयार हैं, लेकिन इनका मज़ा और भी ज़्यादा आएगा अगर हम बनाएंगे सॉफ्ट कुलचे और उसके साथ लच्छा प्याज। लच्छा प्याज की रेसिपी हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। स्पेशल पिंडी छोलों के लिए स्पेशल कुलचे बना लेते हैं, जिसके लिए हमें 1/2 कप गुनगुना पानी चाहिए, जिसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून शुगर और 1 टेबल स्पून इंस्टेंट यीस्ट, और 10 मिनट्स के लिए इसे राइज होने के लिए रख देंगे। 3 कप्स हमें ऑल पर्पज फ्लावर चाहिए है, यानी कि मैदा। 1 टीस्पून सॉल्ट हमने ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिएगा। और 1 कप थिक योगर्ट हमें चाहिए है। 6 टेबल स्पून हमने बटर इसमें ऐड किया है, और आप चाहें तो इसमें ऑयल या फिर देसी घी भी ऐड कर सकते हैं इक्वल अमाउंट में, बहुत अच्छा अंदर से कुलचा बनके तैयार होगा हमारा।
सारे इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर डो बनाएंगे इनका। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। हमारा यीस्ट राइज हो चुका है, अब हम इसका डो बना लेंगे। एक सॉफ्ट सा डो बनाना है हमें। सारे डो को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे और इसको रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अभी हमें नीड नहीं करना है, 15 मिनट्स के बाद हम इसे नीड करेंगे जब इसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और थोड़ा सा ये राइस भी हो जाएगा। इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा नीड करने में, आप थोड़े से पंचेस लगाएंगे, ये तैयार हो जाएगा डो हमारा बनके। अब हम इस डो के इक्वल पोर्शंस डिवाइड कर लेंगे और बना लेंगे बॉल्स और हर बॉल्स को अच्छा सा शेप दे देंगे। जैसे कुलचे हमें पिंडी छोलों के साथ सर्व किए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। हम यूज़ करेंगे कलौंजी और हरा धनिया। बॉल को थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे और हाथ में लगा लेंगे थोड़ा सा तेल या फिर पानी ताकि अच्छे से कलौंजी और हरा धनिया चिपक जाए। उसके बाद फिर मैदे वाले हाथ से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा करके फिर रोल करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हमारे कुलचे बढ़ जाएंगे और रोल होके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। कुलचों को हमें बहुत थिन नहीं रोल करना है, थोड़ा सा हमें पराठे की जितना थिक रहने देना है। और यही स्टेप फॉलो करते हुए हम बाकी के कुलचे भी रोल कर लेंगे और तैयार करके रख लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए पैन को प्रीहीट कर लेंगे, फिर इसमें कुलचा ऐड करेंगे और साइड में स्प्रिंकल कर देंगे पानी ताकि इससे स्टीम बन जाए और कवर करके कुक कर लेंगे हम 1.5 से 2 मिनट के लिए कुलचे को। 1.5 से 2 मिनट में स्टीम में कुलचा अच्छे से कुक हो जाएगा। साइड चेंज करने से पहले हम बटर अप्लाई करेंगे, आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 से 1.5 मिनट लगेगा दूसरा साइड कुक होने में। बैक साइड में भी हम बटर अप्लाई कर देंगे और दोबारा से इसको गोल्डन कलर आने तक के सेकेंगे। मीडियम हीट पे ही हमें कुलचों को दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक के सेकना है। तो अब आप ये सॉफ्ट से इरेजिस्टेबल कुलचे फुल ऑफ अरोमा वाले पिंडी छोले और फूड इन्हांसर लच्छा प्याज को जरूर ट्राई करिए और इंजॉय करिए और हमें कमेंट में बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं हम आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।